हेलो दोस्तों, आज फंडामेंटल एनालिसिस का एक कॉन्सेप्ट मैं समझाने जा रहा हूं, जिससे बहुत लोग समझने में भूल करते हैं या डरते हैं या फिर इसकी एनालिसिस करना छोड़ देते हैं। पर यह कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैल्यूएशन मैट्रिक है। ये कॉन्सेप्ट है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ये कॉन्सेप्ट समझना किसी भी फंडामेंटल इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझाऊं तो और ज़्यादा आपको आइडिया आएगा। अब देखिए, ये कंपनी एक जा रही है, चलिए कोल इंडिया जा रही है। अब कोल इंडिया का प्राइस है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है, ठीक है। प्राइस आपने देख लिया 251.85, ये आपने नोट कर लिया। अब बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू थोड़ा नीचे देखिए, बुक वैल्यू है 20.53। अब बुक वैल्यू का मतलब है सिंपल शेयर होल्डर इक्विटी पर शेयर, यानी जितने भी रिपोर्टेड शेयर होल्डर ने पैसे डाले हैं या उनकी इक्विटी है उसको डिवाइड करना है जितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। समझ में आया? जितने शेयर होल्डर्स ने पैसे डाले हैं डिवाइड बाय कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग, तो ये हम लोगों का एक बुक वैल्यू निकलता है। तो बुक वैल्यू है कोल इंडिया की 20.53, तो 251 डिवाइड बाय 20.53, तो ये 12.27 के आसपास इसका बुक वैल्यू निकलेगा। अब ये 12.27 को कैसे एनालाइज करें? कुछ लोग कहते हैं कि ये थोड़ी ज़्यादा है, ये कम है। अब ये सेक्टर टू सेक्टर भी डिपेंड करता है बुक वैल्यू। अगर एक से कम है या दो से कम है बुक वैल्यू तो उसको अंडर वैल्यूड बोला जाता है, और जैसे ये 12 है तो इसको ज़्यादा बोला जाता है। अब ज़्यादा क्यों है, कम क्यों है, उसके बारे में भी समझना जरूरी है। तो मैं कोई एक ऐसी कंपनी लेता हूँ जिसकी बुक वैल्यू बहुत कम होगी, जैसे ये है रिलायंस कम्युनिकेशन, इसका भाव है 1.95। बुक वैल्यू देखिए, शेयर होल्डर्स इक्विटी बाई नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग 33.69 है। अब इसकी देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू तो 0.06 है, मतलब 6। बहुत सस्ता, कोई सोचेगा बहुत सस्ता है, बहुत अंडर वैल्यूड है, लेकिन इसका दो एनालिसिस हो सकते हैं कि कंपनी इतनी अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रही है कि इसे कोई भाव नहीं दे रहा है, और दूसरा एनालिसिस यही हो सकता है कि कंपनी सही में अंडर वैल्यूड है। तो ये एनालिसिस आपको करना है हमेशा कि ये बुक वैल्यू आपके किसी काम की है या नहीं है। चलिए एक और कोई स्टॉक को हम लोग उठाते हैं, चलिए भारतीय एयरटेल जा रहा है, भारतीय एयरटेल को देखते हैं। 324.70 इसका प्राइस अभी चल रहा है। शेयर होल्डर्स इक्विटी कितनी है देखिए, बहुत है, 249। प्राइस टू बुक रेशियो है 1.30। अब कोई सोच सकता है कि भारती को प्राइस नहीं मिल रहा है, भारती को ये तो अंडर वैल्यूड कंपनी है, तो ये आपको एनालिसिस करना है कि ये क्या है एक्चुअली, इसका रीजन क्या है कि इसको क्यों कोई भाव नहीं दे पा रहा है। हो सकता है इसके बिजनेसेस में कुछ चेंजेस हो इसीलिए शायद भाव नहीं मिल रहा है, या फिर सही में बहुत सस्ता हो इसीलिए कोई इसे भाव नहीं दे पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है बुक वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको ये प्राइस टू बुक वैल्यू की बेसिक एनालिसिस पसंद आई तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हमें नए आइडियाज़ भी दीजिए कि किस पर्टिकुलर चीज़ पर आपको एनालिसिस चाहिए जिससे हम वैसे वीडियो बना सकें। थैंक यू आपके समय के लिए, धन्यवाद।